भारतीय संस्कृति वैदिक काल से आज तक बड़ी रोचक रही है। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, कितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए, पर भारतीय लोग आज भी अपनी संस्कृति से मजबूती से जुड़े हैं। भारत में बहुत सारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जिन्हें उचित सम्मान के साथ माना जाता है। पर सभी प्रथाएं सही हो ऐसा जरूरी नहीं। कुछ प्रथाएं गलत और उनके प्रभाव बुरे होते हैं। ऐसी एक प्रथा है जिसे भारत के कुछ प्रांतों में आज भी माना जाता है और इसका नाम है देवदासी प्रथा, जो एक गलत प्रथा है। क्या है ये प्रथा और क्यों माना जाता है इस प्रथा को गलत, जानेंगे ऐसे कई सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सम्राट आप सभी का स्वागत करता हूँ मॉर्टल मिस्ट्रीज में। देवदासी प्रथा एक ऐसी प्रथा जिसमें कुंवारी युवा लड़कियों को धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ ब्याह कराकर मंदिरों को दान कर दिया जाता था। माना जाता है कि परिवारों द्वारा कोई मुराद पूरी होने के बाद ऐसा किया जाता था और देवता से ब्याही इन महिलाओं को ही देवदासी कहा जाता है। देवदासी बनने का मतलब होता था भगवान या देव के शरण में चले जाना, उन्हें भगवान की पत्नी समझा जाता था। इसके बाद वह किसी जीवित इंसान से शादी नहीं कर सकती थी। पहले देवदासियां मंदिरों में पूजा पाठ और उसकी देखरेख के लिए होती थी। वे नाचने गाने जैसी 64 कलाएं सीखती थी। पर भारत में इतना प्रचलित कब और क्यों हुआ? आपको बता दें कि देवदासी प्रथा का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। पुस्तक के अनुसार देवदासी देवों की पत्नियां हैं, जिन्हें देवों और असुरों के बीच युद्ध के दौरान असुरों ने प्रताड़ित किया था। देवों के प्रमुख इंद्र ने तब देवों की इन पत्नियों को पृथ्वी पर भेजने का फैसला किया ताकि वे अपनी पवित्रता हासिल करने के बाद भगवान की सेवा कर सके और देवलोक लौट सके। तो पुराणों के अनुसार देवदासियां देवों की पत्नियां हैं, जिन्हें सिर्फ भगवान की सेवा के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। और इस तरह देवदासी प्रथा की शुरुआत 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। उस वक्त देवदासियों का समाज में बहुत ऊंचा स्थान था। इस प्रथा का प्रचलन प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसी जगहों पर था। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ देवदासियों को वासना और भोग विलास की वस्तु बना दिया गया। इसका कारण था मुगल और ब्रिटिश शासन। उत्तरी भारत पर अपने सफल कब्जे के बाद मुगलों ने इस्लाम फैलाने के प्रयास में हिंदू मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। मुगलों ने देवदासियों को संस्थाहीन बना दिया और उन्हें अपने लिए लड़ने को मजबूर कर दिया। मंदिरों के विनाश के साथ ही देवदासियों ने अपना संरक्षण खो दिया और वहीं उनका शोषण शुरू हो गया। देवदासियां जो कभी भगवान की पूजा के साधन के रूप में प्रदर्शन करती थी, उन्हें शादियों और अन्य अवसरों पर मनोरंजन के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर कर दिया जाता था। उस समय नृत्य प्रोस्टिट्यूशन से अत्यधिक जुड़ा हुआ था, जिससे देवदासिया का शोषण हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने पूरे उपमहाद्वीप में इस दुरुपयोग को फैलाने में मदद करी। पर 1934 वो वक्त था जब इस प्रथा को अवैध घोषित करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार बॉम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम लाई। यह अधिनियम देवदासी की रक्षा करने और बॉम्बे राज्य में हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक स्थानों के प्रति महिलाओं के समर्पण को रोकने के लिए था। इसे तब मद्रास में मद्रास देवदासी अधिनियम 1947 के रूप में रूपांतरित किया गया। इस अधिनियम ने देवदासी महिलाओं को शादी करने का अधिकार दिया और मंदिरों में हिंदू लड़कियों के समर्पण पर रोक लगा दी। इसी तरह के अधिनियम को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी अधिक अनुकूलित किया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW के 2015 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी भी कम से कम 44,000 सक्रिय देवदासी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह भी कहा कि ये संख्या 2,50,000 तक हो सकती है। वही NCW डेटा ये भी कहता है कि वह मुख्य रूप से कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान आता है। तमाम कानूनों और प्रावधानों के बावजूद धार्मिक प्रथाओं के नाम पर आज भी महिलाओं को गुलाम बनाकर उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और 6 राज्यों को नोटिस जारी कर विशेष रूप से भारत के दक्षिण हिस्सों में देवदासी प्रथा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। आयोग ने कहा है कि देवदासी प्रथा को रोकने के लिए अतीत में कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये कुरीति अभी भी चलन में है। आयोग ने केंद्र महिला और बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय समेत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इनसे 6 हफ्तों में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही सरकारों से देवदासी प्रथा को रोकने और उसके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं इसकी जानकारी भी मांगी है। सो गाइस, ये थी आज की ज्ञानवाणी। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। देवदासी प्रथा के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।